Hello everyone, I am Deepika and today we are going to do Elizabethan sonnets. So there are many more kinds of sonnets as well. लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो Elizabethan टाइम पे लिखे जा रहे थे, Elizabethan पीरियड में जो लिखे जा रहे थे सोनेट्स, हम उनको डिस्कस करेंगे. किस तरीके से इटालियन सोनेट्स आए इंग्लैंड में, शेक्सपियर इन्फ्लुएंस हुए एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग सोनेट्स विद हिज ओन राइम स्कीम, और किस तरीके से उनके बाद स्पेंसर एज वेल स्टार्टेड राइटिंग सोनेट्स, तो हम वो देखेंगे और उनके कुछ सोनेट्स के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले, अ सोनेट इज अ लिरिक पोम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विद एन इंट्रिकेट राइम स्कीम. तो एक सोनेट जो होता है वो एक पोइट्री होती है विच इज रिटन इन 14 विच इज रिटन इन 14 लाइन्स, मतलब उसकी 14 लाइन में उसको लिखा जाता है और एक उसका सर्टन सेट ऑफ राइम स्कीम होती है जो कि वो फॉलो करते हैं. मैंने एक वीडियो बनाई है ऑन पोम्स, इफ यू हैव नॉट सीन दैट यू कैन गो टू द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ दिस वीडियो, यू विल फाइंड द लिंक देयर. इटालियन और पेट्रियार्कन सोनेट्स और शेक्सपियरियन सोनेट, तो ये जो दो तरीके के सोनेट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे एलिजाबेथन टाइम पे, इटालियन एंड पेट्रियार्कन सोनेट, क्योंकि उस टाइम पे थॉमस व्याट हैड स्टार्टेड गोइंग टू इटली, वहां पे उन्हें सोनेट्स के बारे में पता चला, इटली से उन्हें इन्फ्लुएंस आया, वहां से ये आइडिया सोनेट का वो इंग्लैंड लेकर आया एंड ही स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लैंड. सोनेट्स उन्होंने लिखना शुरू किया और जिस तरीके से वो लिखते थे उनकी राइम स्कीम वॉज, ही वॉज फॉलोइंग दिस राइम स्कीम ए बी बी ए, ए बी बी ए मतलब कि एक ऑक्टेव, ये जो आपके चार सिमिलर लाइन्स हैं इसको बोलते हैं ऑक्टेव जो कि यहाँ पे लिखा है, और एक सेस्टेट जैसे कि जो आपकी सिक्स लाइन है उसको आप बोल रहे हैं सेस्टेट. सो पेट्रियार्कन सोनेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव जैसे मैंने आपको बताया, फॉलोड बाय अ सेस्टेट जो भी मैंने आपको बता दिया. द मोस्ट कॉमन राइम स्कीम ऑफ द सोनेट इज ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, और ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी, सी डी सी. सो आपके यहाँ पे भी एक ऑक्टेव है और फॉलोड बाय अ सेस्टेट. द पेट्रियार्कन सोनेट फॉर्म वॉज ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय सर थॉमस व्याट who wrote in Petrarchan form in iambic pentameter. तो ये लेकर आए थे इंग्लैंड में from Italy and that's how sonnet got introduced in England. Next is, unlike the Italian form, जिस तरीके से Italian form लिखी जा रही थी sonnet की, उससे थोड़ा सा हटके Shakespeare ने लिखना शुरू किया. His sonnets also consisted of 14 lines, क्योंकि no matter who's writing it, 14 writing it, 14 lines तो is compulsory, कि मतलब 14 line तो आएंगी ही आएंगी आपके Shakespearean sonnet में. लेकिन इनकी rhyming scheme थोड़ी सी different थी than the Italian sonnet, जैसे कि उनका थ्री quatrains थे, जैसे कि तीन आपके सेट quatrains मतलब चार लाइन कंसिस्ट कर रहे थे, जैसे कि ए बी ए बी, सी डी सी, ई एफ ई एफ, तो ये आपका हो गया थ्री quatrains. राइम्ड कपलेट मतलब कि जो लास्ट के दो लाइन्स हैं उनके एंड वर्ड्स जो है वो एक दूसरे से राइम करेंगे, सो इट बिकेम राइम कपलेट. कपलेट मतलब दो. सो इसीलिए आपको इसका कहा, इसकी जो राइम स्कीम है उसमें थ्री क्वाट्रेन्स होते हैं और दो राइम्ड कपलेट होते हैं, और जो कि राइम स्कीम होती है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी. आई होप इतना समझ आया. एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइम स्कीम. ये बहुत ही फेमस सोनेट है, सोनेट 18, विच हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. द नेम ऑफ द सोनेट इज शैल आई कंपेयर दाय टू अ समर्स डे. इसकी हम राइम स्कीम देख लेते हैं. मैं बस लास्ट के वर्ड्स डिस्कस करूंगी टू फिगर आउट द राइम स्कीम ओनली. जैसे कि यहाँ पे डे को हम ए लिख सकते हैं, टेम्परेट को हम बी लिख सकते हैं, और डे और में राइम हो रहा है तो इसको भी हम ए लिख सकते हैं, एंड टेम्परेट डेट भी राइम हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं बी. शाइन्स एंड डिक्लाइन्स, दिस इज राइमिंग सो दिस कैन बी सी सी. डिम्ड एंड अनट्रिम्ड, दिस इज ऑल्सो राइमिंग सो दिस बिकम्स योर डी डी. फेड शेड, इट कैन बिकम योर ई ई. आउस्ट एंड ग्राउस्ट, इट बिकम्स योर एफ एफ. सी इट बिकम्स योर जी जी. सो दिस इज द राइमिंग स्कीम. आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे जो लास्ट वर्ड है कैसे राइम हो रहे हैं एक दूसरे से. सो दैट्स हाउ वी हैव गिवन इट दिस राइम स्कीम. नेक्स्ट इज, अपार्ट फ्रॉम द टू फॉर्म्स डिस्कस्ड अबव, जो भी हमने अभी दो फॉर्म डिस्कस किए हैं उसके अलावा जो थर्ड वेरियंट या फिर थर्ड काइंड ऑफ सोनेट जो उस टाइम पे लिखा जा रहा था एलिजाबेथन टाइम पे, उसको हम बोलते हैं स्पेंसरियन सोनेट, बिकॉज इट वॉज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर. उसको लिख रहे थे एडमंड स्पेंसर. दिस इज अ सोनेट फ्रॉम फॉर्म कंपोज ऑफ थ्री क्वाट्रेन्स एंड अ कपलेट इन आयम्बिक पेंटामीटर. इसमें भी आपके थ्री क्वाट्रेन्स हैं, मतलब कि आपके चार चार लाइन वाले तीन सेट हैं, और एक राइम कपलेट है कि लास्ट के जो दो लाइन्स के दो लास्ट वर्ड्स हैं वो एक साथ राइम करेंगे. द राइम स्कीम इज दिस, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई. सो दिस वॉज द राइम स्कीम विच वॉज बींग फॉलोड एडमंड स्पेंसर के सोनेट में. सो इसका भी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. दिस इज
Emirati, one day I wrote her name. This is also very, very important and very famous sonnet written by Edmund Spenser. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैंड हैंड राइम कर रहा है यस सो दिस बिकम्स योर ए अवे प्रे दिस बिकम्स योर बी बी ऐसे यस दिस इज ऑल्सो राइमिंग सो बी इमोर्टलाइज एंड लाइक वाइज यस सी सी डिके ऐसे बी डिवाइस एंड लाइक वाइज सी फेम एंड नेम यस डी डी इटर्नाइज डिवाइज यस सी सबड्यू रिन्यू ई So this is the rhyme scheme of Spenserian sonnet. So इतना ही था इस वीडियो में बस बस आपको चाहती थी बताना Elizabethan sonnets के बारे में patriarchal Shakespearean Spenserian which were very prominently written around that time and were very famous. I hope आपको तीनों के तीनों समझ आए हूँ. If you liked my video, kindly like it, share it with your friends, subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Till then, much love. Thanks for watching.